नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नई कविता के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में बताने जा रही हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, न केवल हिंदी साहित्य के एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से, बल्कि आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आपके पास विषय हो, या कॉलेज स्तर की कोई परीक्षा हो, स्कूल स्तर की कोई परीक्षा हो, या कोई आप शोध कार्य कर रहे हो, सब में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और अंत तक देखकर मुझे आपके सुझाव भी चाहिए कि आपके क्या सुझाव हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अंत में आप जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध एक नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, ये मुक्तिबोध से संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए उसकी विषय वस्तु आपको इसी वीडियो से मिलेगी। चाहे वो आ जाए गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं बताइए, उनकी भावगत विशेषता बताइए कि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं वो आधुनिक चेतना से संयुक्त यथार्थ के निकट परिवेश की जटिलता को व्यक्त करने वाले हिंदी के समर्थ कवि हैं, या वे उनकी संवेदना ज्ञान की परंपरा अत्यंत व्यापक है, उनकी विचारशीलता, उनकी काव्य शिल्प पर कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको विषय वस्तु इसी वीडियो से ही प्राप्त होने वाली है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्य के प्रति समर्पित एवं प्रतिबद्ध रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा मतलब उनमें एक चीज नहीं थी, कई सारी उनमें कलाएं और विशिष्टताएं थी। वर्तमान युग में इन कविताओं की प्रासंगिकता को देखकर ही समीक्षकों ने उन्हें 20 साल बाद का कवि कहकर पुकारा है। क्या मतलब है इसका, पता है आपको? इसका मतलब यह है कि उनकी कविताएं आज भी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे चारों तरफ का परिदृश्य हमारे सामने लाकर रख दिया हो। ऐसा लगता था कि जैसे मुक्तिबोध को भविष्य दृष्टा थे, उन्होंने अपने समय के काल को तो देखा, आने वाले काल को भी देखा, और उसको भी अपनी कविताओं में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। वे आधुनिक चेतना से संयुक्त यथार्थ के निकट और परिवेश की जटिलता को व्यक्त करने वाले हिंदी के समर्थ कवि हैं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अग्रदूत के रूप में, उसके अगुआ कवि के रूप में से एक थे। उनकी संवेदना और ज्ञान की परंपरा अत्यंत व्यापक है। गहन विचारशीलता और विशिष्ट काव्य शिल्प के कारण उनकी कविता एक अलग पहचान रखती है हिंदी साहित्य में। स्वतंत्र भारत के मध्य वर्ग की जिंदगी की विडंबनाओं एवं उनकी विषमताओं का चित्रण उनकी कविता में बहुतायत से मिलता है, और साथ ही एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षाएं मुक्तिबोध की कविता की एक बड़ी विशेषता के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। उनकी कविता में बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, और फैंटेसी के शिल्प का उपयोग भी उन्होंने अपनी कविता में किया है। उन्होंने फैंटेसी के माध्यम से प्राय बड़ी लंबी लंबी कविताओं की रचना की है, इसलिए वे फैंटेसी के कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए अपने समय में। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता, बहुत ही शानदार बात कही है शमशेर बहादुर सिंह ने उनकी कविता के बारे में, कि उनकी कविता कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बात कहती चलती है, हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं अच्छा, और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मतलब उनकी कविता हमारा परिचय हमसे कराती है कि हम कैसे हैं, इतनी यथार्थवादी उनकी कविता है। आइए देखते हैं मुक्तिबोध का काव्य शिल्प। और जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि काव्य शिल्प को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक भावगत विशेषता और एक कलागत विशेषता। भावगत विशेषता को हम विषयगत या विचारगत विशेषता भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं मुक्तिबोध की विचारगत या भावगत विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता जो मैं उनकी काव्य में देखती हूँ वह समकालीनता एवं शाश्वतता। मतलब उनकी कविता उस समय की भी थी और आज की भी है, शाश्वत है, ऐसा लग रहा है जैसे कल थी, आज है और कल रहेगी। मुक्तिबोध की कविताओं में कहीं वर्तमान युग की प्रतियोगिता का चित्रण है, तो कहीं आज के मौका परस्त राजनीतिक नेताओं की स्वार्थपरता का, कहीं अवसरवादिता और शोषण का चित्रण है, तो कहीं मध्य वर्गियों के समझौतावादी दृष्टिकोण का चित्रण, तो कहीं निम्न वर्गियों की कष्टदायक जिंदगी का चित्रण है। उनकी कविताओं में चित्रित बातें आज भी जारी हैं। उनकी कविताएं काल के साथ चलते हुए समसामयिक युग का पर्दाफाश करके हमारे सामने रखती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनकी जो कविता है ना, वो उस पर्दाफाश का परिणाम है। वे युग की बदलती करवट की साक्षी हैं और जनजीवन से गहरा संबंध रखने वाली कविताएं हैं। इतिहास की गहरी अंतर्दृष्टि मुक्तिबोध में हमको दिखाई देती है। अतीत की जानकारी उनको है, वर्तमान को उन्होंने गहराई में उतरकर
देखा और परखा है और संभवतः इसी कारण भविष्य भी उनके लिए बहुत ही स्पष्ट हो गया। मानव इतिहास की विरासत को समझने वाले कवि होने के कारण ही मुक्तिबोध की कविताएं देश और काल की सीमा का अतिक्रमण करती हुई समकालीनता और शाश्वतता को एक साथ वहन करती हैं। इसी कारण मुक्तिबोध की कविताएं कालजयी हो जाती हैं। कालजयी अर्थात किसी समय का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, समय के साथ वो पुरानी नहीं होती, हमेशा प्रासंगिक बनी रहती हैं। उनकी काव्य की दूसरी विशेषता जो मैं देखती हूँ वह है मध्यवर्गीय जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस पर फोकस। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी को मुक्तिबोध के काव्य बार बार उस पर फोकस करता है, मतलब बार बार उनके बारे में बात करता है। इस बुद्धिजीवी के विवेक रहित समझौतावादी दृष्टिकोण को लेकर मुक्तिबोध को बहुत खेद है। वहीं एक प्रकार की उनके मन में एक छटपटाहट भी दिखाई देती है कि ये मध्य वर्ग है, ये बुद्धिजीवी है, बुद्धिवादी है, बौद्धिकता है इसमें, सामर्थ्य है, फिर ये हर बात में इतना समझौता क्यों कर लेता है। अवसरवाद और पलायनवाद जहां एक महामारी की तरह फैला हुआ है, वहां मुक्तिबोध मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की क्षमता पर विश्वास करते हुए इस महामारी से समाज को बचाने के लिए उनके आगे आने का स्वप्न देखते हैं कि एक न एक दिन ये मध्यम वर्ग आगे आएगा और इस दृष्टिकोण से जो नेगेटिव जो उनका एटीट्यूड है उससे वो बाहर निकलकर आएगा और बुद्धिजीवियों के सर्वहारा वर्ग की ताकत बन जाने की वो इच्छा रखते हैं कि ये बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग की ताकत बन जाएंगे, उनको शोषण से मुक्ति दिलवाएंगे। उनकी तीसरी विशेषता जो मैं उनके काव्य में देखती हूँ वह है व्यंग्य के तीखे प्रहार। इनका काव्य चिंतन प्रधान है। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियां, अपूर्ण व्यक्तित्व, अन्याय एवं शोषण का सदैव विरोध किया। मध्यमवर्गीय जीवन का विकास उच्च वर्गीय समाज द्वारा किए जाने वाले शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक शोषण को जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बताया तथा वे समाज में व्याप्त अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को उत्तरदायी मानते हैं और उनके साहित्य में इन विद्रूपताओं पर, इस पूंजीवादी व्यवस्था पर, उसके जो ये बुर्जुआ जो दृष्टिकोण है उसका, उस पर, उन विद्रूपताओं पर कटु व्यंग के तीखे प्रहार हमें देखने को मिलते हैं। एक विशेषता और उनकी काव्य की हमें देखने को मिलती है वह है विशिष्ट व्यक्तिवाद। देखो नई कविता में व्यक्तिवाद तो बहुत आयत से मिलता है लेकिन जो मुक्तिबोध का व्यक्तिवाद है वो कुछ विशिष्ट है। तो किस अर्थ में विशिष्ट है आइए समझते हैं। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्षों और विरोधों से भरा हुआ था, हम जानते हैं इस बात को। यही संघर्ष मुक्तिबोध की कविताओं में व्यक्तिवादी चेतना के रूप में मुखर हुआ। उनका यह व्यक्तिवादी स्वर अत्यंत तीक्ष्ण है और विशिष्ट है, इसीलिए वो विशिष्ट है। एक कारण और भी है, आगे बताती हूँ, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनके अंदर एक तीव्र आक्रोश है, इसलिए वे स्वयं को गहरे द्वंद में पाते हैं और इस द्वंद से ग्रस्त उनका व्यक्तिवादी स्वर समकालीन प्रयोगवादी स्वरों से मेल नहीं खाता है। वे विशिष्ट इस अर्थ में है कि कवि केवल अपने द्वंद को ही संपूर्ण सत्य नहीं मानता है अपितु व्यक्ति को संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकालने को भी वो प्रेरित करता है। यही विशिष्टता कवि के उक्त द्वंद को और ज्यादा गहरा कर देती है। जैसे देखिए एक उदाहरण, कर सको घृणा, क्या इतना रखते हो अखंड तुम प्रेम, जितनी अखंड हो सके घृणा उतना प्रचंड रखते क्या जीवन का व्रत नेम। उनकी कविता में हमें निराशा की तीव्रता भी देखने को मिलती है। अपने काव्य में कवि मुक्तिबोध एक ओर तो बाह्य वास्तविकताओं से टक्कर ले रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी अंतर्मन की जो जटिलताएं हैं उनसे जूझते हैं। कवि युग सत्य और आत्मसत्य, युग सत्य मतलब समाज में जो हो रहा है, आत्मसत्य माने जो खुद को महसूस हो रहा है कि मध्य पूरा सामंजस्य स्थापित करना चाहता है परंतु इसमें असफल होने पर उसका अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो जाता है और यह तीव्रता उसको एक ऐसी गहन निराशा की स्थिति में पहुंचा देती है जहां पहुंचकर प्रत्येक वस्तु उसे निस्सार लगने लगती है, सारहीन लगने लगती है। ऐसे में उसकी सौंदर्य अनुभूति घुटकर रह जाती है, तब संपूर्ण सृष्टि का विनाश ही कवि का लक्ष्य बन जाता है और निराशा, रुदन व पीड़ा उसके व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। वह कहता है, घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मूक, कवि का मन गीला, यह सब क्षणिक क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर। उनकी कविता में हमको आत्मावलोकन और आत्म संघर्ष की कविता है। अपने आप का विश्लेषण करना, आत्मावलोकन का मतलब है अपनी कमियों को महसूस करना, देखना, अपने आप को सुधार करना, आत्म परिष्कार करना, ये भी उनकी कविता में हमें बहुत आयत से देखने को मिलता है। मुक्तिबोध की कविताओं में संपूर्ण परिवेश के बीच अपने आप को खोजने और पाने को ही नहीं, संपूर्ण परिवेश के साथ अपने आप को बदलने की प्रक्रिया का चित्रण भी
मिलता है। इस स्तर पर मुक्तिबोध की कविता आधुनिक जागरूक व्यक्ति के आत्मावलोकन व आत्म संघर्ष की कविता है। मुक्तिबोध ने अंतर्द्वंद की तीव्रता में अपना आत्मावलोकन और आत्मलोचन की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। इस कार्य में उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि बहुत सहायक बनी। वे अपने द्वंद से मुक्ति पाना चाहते हैं क्योंकि द्वंद की तीव्रता से उन्हें अत्यंत त्रासदी पीड़ा संतरा सहना पड़ता है। इस कारण मुक्तिबोध की कविताओं में इस स्थिति के प्रति पश्चाताप प्रकट किया गया है। वे कहते हैं, आत्मवंचना पीड़ित मेरा तिमिर मगन और बिंबित मुख पर सिर उठा मैं अश्रु मलिन मुख अपने अंतर के दर्शन कर। इस स्थिति से निकलने के लिए कवि मुक्तिबोध के काव्य में उनके आत्म परिष्कार की व्याकुलता और आत्मालोचन की दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी कविताओं की एक बड़ी विशिष्ट विशेषता है मार्क्सवादी चिंतन का प्रभाव। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता पर मार्क्सवाद का चिंतन का प्रभाव है। उनका जो दर्शन है वो मार्क्सवादी दर्शन है। वे समाज में व्याप्त अत्याचार भ्रष्टाचार अन्याय के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को उत्तरदायी मानते हैं। उनकी सत्य एवं यथार्थ की दृष्टि ने ही उन्हें मार्क्सवादी चेतना प्रदान की। वर्ग संघर्ष का एहसास श्रमिकों व पीड़ितों के सूखे अधरों के लिए सहानुभूति का जल पूंजीवादी व्यवस्था की भर्त्सना वर्ग रहित समाज का आकर्षक कल्पना और उसके प्रति प्रतिबद्धता जैसे तत्व उनकी रचनाओं को प्रासंगिक बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। मुक्तिबोध ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त किया है। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए वे जो चिंतन करते हैं ना उसकी आधार भूमि मार्क्सवादी विचारधारा ही है और इसी मार्क्सवादी दर्शन के सहारे कवि समाज के अंतर विरोधों को पहचानता है। निराशा रूपी अंधकार में वो अपना मार्ग खोजकर उस पर पूर्ण आस्था से बढ़ने की प्रेरणा कवि हम सबको देता है। पहले तो कवि ने वो प्रेरणा मार्क्सवादी दर्शन से खुद प्राप्त करी, फिर वो प्रेरणा हमको देता है। इस प्रकार मुक्तिबोध के काव्य में मार्क्सवादी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। कवि ने इसे स्वतः स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि क्रमशः मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। अधिक वैज्ञानिक अधिक मूर्त अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त हुआ। ये उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। उनकी कविता की एक विशेषता सामाजिक यथार्थ के प्रति आस्था, जो समाज में दिखाई दे रहा है उसे उन्होंने अपनी कविता में प्रकट कर दिया है। मुक्तिबोध जिंदगी से साहित्य, साहित्य से जिंदगी को जोड़कर प्रस्तुत करने वाले कवि थे, इसलिए उनकी रचनाएं हमारे समाज के विभिन्न दृश्यों से परिपूरित होकर सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन करने वाली हैं। प्रतिदिन की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का साहित्यिक विषय बनाकर जीवन संघर्षों से लगातार जूझ कर अपने समाज और सामाजिक प्राणी को संघर्ष मुक्त करने के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किया। वर्तमान परिवेश में व्याप्त अभाव तनाव घुटन षड्यंत्र स्वार्थ भरी स्थितियों का सच्चा अंकन उनकी रचनाएं प्रस्तुत करती हैं। मुक्तिबोध में व्यक्ति की संकुचित सीमा को तोड़कर व्यापक सामाजिकता का स्पर्श करने की तड़फ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मार्क्सवाद के प्रभाव से यह तड़फ और ज्यादा बढ़ गई। इस कारण उनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के दर्शन अनेक रूपों में किए जा सकते हैं। सामाजिक यथार्थ के प्रति यह आस्था उनके हृदय में निम्न मध्यम वर्ग की दयनीय स्थिति शोषित वर्ग के प्रति करुणा एवं सहानुभूति का सृजन करती है। मुक्तिबोध के काव्य में इस सामाजिक यथार्थ के बड़े सजीव और प्रभावपूर्ण चित्र हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आज के अभाव के व कल के उपवास के व परसों की मृत्यु के दैन्य के महान अपमान के व क्षोभपूर्ण भयंकर चिंता के उस पागल यथार्थ का दीखता पहाड़ स्याहा। इस यथार्थ के साथ ही वे एक नए समाज के निर्माण के लिए जनमानस का आह्वान करते दिखाई देते हैं। अनेक जटिलताओं अनेक उलझनों एवं युग की विषम परिस्थितियों के मध्य गृह रहने पर भी मुक्तिबोध नए समाज के नूतन भविष्य के प्रति अपनी आस्था में कमी नहीं आने देते। व्यापक सामाजिकता में लीन होने की चाह स्वयं कवि के शब्दों में तार सप्तक में उन्होंने क्या कहा है देखिए। आज के वैविध्य में उलझन से भरे रंग बिरंगे जीवन को यदि देखना है तो अपने व्यक्ति क्षेत्र से बाहर एक बार तो उड़कर बाहर जाना ही होगा। उनकी कविता में एक विशेषता और मिलती है, चूंकि मार्क्सवादी चिंतन है तो पूंजीवाद का विरोध। मार्क्सवाद के प्रभाव पर दलितों और शोषितों के प्रति करुणा ने मुक्तिबोध के मन में सहज रूप से पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न कर दिया। पूंजीवादी व्यवस्था कुछ मुट्ठी भर समर्थ लोगों के लिए समस्त सामाजिक सुख साधनों को नियंत्रित कर देती है। हम सब जानते हैं सारे जो समाज के साधन होते हैं वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होते हैं। इससे जन सामान्य का जीवन बहुत दूभर हो जाता है। वे पूंजीवाद की कटु आलोचना करते हुए उसकी नाश की कामना करते हैं। वे कहते हैं, इतने प्राण
इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतःशुद्धि। ओम तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। उनकी एक विशेषता और हमें देखने को मिलती है उनके काव्य में, गहन आत्मीयता और गहरी भावुकता। मुक्तिबोध का कवि हृदय जिन जटिल युगीन परिस्थितियों का सामना कर रहा था ना, और जिन जटिलताओं और उलझनों को झेल रहा था, ऐसी स्थिति में उसका शुष्क हो जाना, उनकी भावनाओं का शुष्क हो जाना, उनमें अधिक बौद्धिकता, अति बौद्धिकतावादी आ जाना, ये स्वाभाविक था। परंतु इस बौद्धिकता के साथ साथ हमारा कवि एक संवेदनशील प्राणी के रूप में हमारे सामने आता है। जनसाधारण के प्रति उसके हृदय में गहरी आत्मीयता है। इस कारण मुक्तिबोध के काव्य में भावुकता से युक्त कोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। जहां जहां ऐसे स्थल आए हैं ना, वहां वहां उनकी भाषा भी बड़ी मधुर और तरल हो गई है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, एक गांव है, वहां नदी है, नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं। उनकी कविता पे एक आरोप लगाया जाता है, कठिनता का, जटिलता का, दुरुहता का, और वो कुछ अंशों में सही भी है। काव्य की दुरुहता और जटिलता उनके काव्य में मिलती है हमको। क्यों? क्योंकि मुक्तिबोध का जो कवि व्यक्तित्व है ना, वो अपने थोड़ा सा जटिल है, अपने आप में वो थोड़ा जटिल है। ज्ञान और संवेदना के संश्लिष्ट स्तर से युगीन प्रभावों को ग्रहण करके प्रौढ़ मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण उनकी कविताएं सशक्त बन गई हैं। अंतर्मुखी द्वंद्व, बौद्धिक प्रवृत्ति, निराशा की तीव्रता आदि के कारण मुक्तिबोध के काव्य में दुरुहता आ गई है। मुक्तिबोध का काव्य कवि के मानसिक उलझनों, युग की जटिलताओं और जन सामान्य के जीवन संघर्ष का काव्य है। अतः इनकी अभिव्यक्ति में एक विशेषता है जो उनके काव्य को थोड़ा कठिन बना देती है। कवि अपने से भी बुरी तरह उलझा हुआ है, अपने आप में बुरी तरह से उलझा हुआ है, और ये उलझा उसके काव्य में थोड़ी सी अस्पष्टता ला देता है। परंतु तात्विक रूप में ये कठिनता केवल ऊपरी है, इससे मुक्तिबोध की अनुभूतियों की सत्यता और अभिव्यक्ति की ईमानदारी पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनकी कविताओं में हमें सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मुक्तिबोध के काव्य की एक अन्य विशेषता है सत्यान्वेषण। मुक्तिबोध का सारा काव्य मानवीय व्यक्तित्व के अनवरत अन्वेषणों के विविध आयामों को प्रस्तुत करना है। संघर्षों की आग में तपकर, निखर कर कवि उस व्यक्तित्व की खोज में लग गया है जो लोकोन्मुखी चिंता से, चेतना से, लोकोन्मुखी मतलब जनता के भलाई करने वाली चेतना से संयुक्त है। ब्रह्म राक्षस कविता को इसके प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। वे कहते हैं उसमें, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। उनकी कविता में हमें मानवतावादी चिंतन देखने को मिलता है, मानवतावादी चिंतन। उन्होंने अपनी कविता में मानवतावादी चिंतन प्रस्तुत करते हुए बतलाया है कि इस संसार में यद्यपि अनेक देश हैं और उन देशों की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक है, उनका मानवीय आकार एक है, उनकी मानवीय संवेदनाएं एक हैं, उनके सारे विश्व मानवीय आचरण एक हैं, उनके प्यार करने के संकेत एक जैसे हैं, उनके क्रोध करने का दुधारा भी एक है, अतः मानवीय आचरण में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार कवि ने विश्व बंधुत्व और मानव एकता की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति कर अपना मानवतावादी चिंतन प्रस्तुत किया। उनकी एक कविता है जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। उनकी कविताओं में हमें भेदवादी भावनाओं का विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कवि ने समस्त विश्व को एक मानव सभ्यता से परिपूर्ण बतलाकर और भेदवादी भावनाओं का डटकर विरोध किया है। कवि का मानना है कि जब मानव मानव और उसकी मानवीय दृष्टि में कोई भेद नहीं है, तो इस संसार में जन शोषण क्यों बढ़ा हुआ है? मानव सभ्यता के कुछ प्रबल शत्रु अपने भौतिक संपन्नता के आधार पर सामान्य जनता का शोषण कर रहे हैं और मानव समाज में विविधता की कुत्सित भावना फैलाए, ये शोषक जन जन के शत्रु हैं। वो कहते हैं, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए, शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। तो ये थी उनकी भावगत और विषयगत विशेषताएं। अब देखते हैं उनकी कलागत विशेषता। कलागत विशेषता में जैसे आप जानते हैं भाषा शैली छंद अलंकार की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं मुक्तिबोध का भाषा सौंदर्य। मुक्तिबोध के काव्य की भाषा भावाव्यक्ति में काफी सशक्त है। इनकी भाषा सूक्ष्म से सूक्ष्म, गंभीर से गंभीर, कोमल से कोमल भाव को वहन करने में पूर्णतः समर्थ है। इनकी भाषा सामान्यतः मिश्रित भाषा है। इनकी भाषा में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही अंग्रेजी, फारसी, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रहस्यवादी और वैज्ञानिक शब्दावली तक का उन्होंने अपने कविता में प्रयोग किया है। इस प्रकार भाषा पर उनका
पूरा अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्ति बोध की भाषा एक कलाकार की संवेदना में डूबती उतरती एक भावोपम भाषा है, जो चित्रों से सस्ती संवरती, वर्ण विषय को स्पष्टता प्रदान करती और अनुभूतियों को संप्रेषित करती हुई हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। उसमें एक प्रवाह है, एक गति है, उसमें जलधारा जैसा बहाव है, जो मार्ग के ईंट पत्थरों को काटती छाटती लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेती है। छंद विधान, इन्होंने छंदों की मर्यादाओं को स्वीकार नहीं किया। उनके मुक्त छंद में आंतरिक तुकों का एक विशिष्ट स्थान जरूर है। मुक्तिबोध के काव्य में प्राय परंपरा के विपरीत मुक्त विधान अपनाया गया है। उन्होंने मुक्त छंद शैली में भी तुकांतता और गेयता का ध्यान रखा है। तुम कवि हो ये फैल चले मृदगीत, निर्बल मानव के घर घर ज्योति धो मुख नव आशा से जीवन की गति जीवन का स्वर। अलंकार योजना, मुक्तिबोध ने यद्यपि अलंकारों का बलपूर्वक प्रयोग नहीं किया, तथापि उनके सटीक एवं नवीन उपमानों का प्रयोग बहुत आकर्षक है। उन्होंने जीवन व्यापारों को उपमान के रूप में प्रयुक्त कर बड़े मार्मिक प्रभाव की सृष्टि की है। उदाहरण के लिए उनकी कविता है अंधेरे में, ये शीर्षक है उस कविता का, और उस शीर्षक में मस्तिष्क के लिए उन्होंने डिसेक्शन उपमान काम में लिया है, जो युगीन संतरास को स्पष्ट करने में पूर्णतः समर्थ है। इसी प्रकार कवि की संवेदना के लिए मीठे पानी का सोता उपमान अत्यंत मार्मिक मन पड़ा है। उनकी कविता है शहर से स्वीकारा है, उसमें उन्होंने कवि की संवेदना को मीठे पानी का सोता कहा है। वो कहते हैं दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। तो इस तरीके से उनकी कविता में हमको अलंकार भी दिखाई, जो मतलब थोड़े उपमान साम्य मूलक जो अलंकार है वो दिखाई देते हैं। उनकी कविता की खास विशेषता है प्रतीक योजना। उन्होंने परंपरागत प्रतीकों को नए संदर्भ प्रदान किए, जो सर्वथा नवीन किंतु सार्थक अर्थ प्रदान करने में कविता को बहुत समर्थ थे। ब्रह्म राक्षस, बरगद शिशु, लकड़ी का रावण, अंधेरा, ये सब ऐसे प्रतीक हैं जो उन्होंने अपनी कविता में काम में लिए हैं। उनके जो प्रतीक है ना, वास्तव में जो कविता में लिए गए हैं वो सीधे जीवन से लिए गए हैं। मुक्तिबोध के प्रतीक नवीन और समकालीन परिवेश दोनों के प्रतीक हैं। ब्रह्म राक्षस चंबल की घाटियां, एक अरूप शून्य के प्रति, चकमक की चिंगारियां और डूबता चांद कब डूबेगा आदि प्राय सभी में प्रतीकों का सार्थक और जीवंत प्रयोग हुआ है। ब्रह्म राक्षस जो उनकी कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसमें ब्रह्म राक्षस कवि के चेतन मन का प्रतीक है, और उसमें जो बावड़ी है वो उपचेतन का प्रतीक है, और जो प्रसाद है वो व्यक्तित्व का प्रतीक है, और जो जीना है वो श्रेष्ठत्व का प्रतीक है। बिंब योजना, मुक्तिबोध ने प्रतीकों की भांति बिंबों को भी विशाल फलक पर प्रस्तुत किया है। अधिकांश बिंब लोक जीवन दर्शन साहित्य और पौराणिक संदर्भों से लिए गए हैं। उनके बिंबों में रागात्मकता, संध्यता, जटिलता और परिवेश की हूबहू तस्वीर उतार देने की अद्भुत क्षमता है। वे पूर्ण बिंब प्रस्तुत करते हैं, खंडित या विसंकलित बिंब उनके पास नहीं मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, बाहें पसारे बोला था आकाश, काश तुम मेरे उर पर सिमट होती, सिमट सकी होती जीवन में, उत्तर दिया धरित्री ने, आलिंगन में बद्ध निरुद्ध होकर विचरण कैसे कर पाती मैं। शैलीगत विशेषता देखते हैं, मुक्तिबोध ने अधिकतर लंबी नाटकीय कविताएं लिखी हैं, जिनमें समसामयिक समाज और उनमें पलने वाले अंतर्द्वंद्वों और इन अंतर्द्वंद्वों से जो भय उत्पन्न हुआ है, जो संत्रास फैला है समाज में, जो आक्रोश दुनिया में देखने को मिल रहा है, विद्रोह, दुर्दम्य संघर्ष, इन सब की भावनाओं को चित्रित किया है। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं तो 10-10 पंक्तियों का एक ही वाक्य बन गया है। और एक खास विशेषता मुक्तिबोध की, जो मुक्तिबोध को एक अलग बना देती है, वो है फैंटेसी का प्रयोग। ये क्या है फैंटेसी? मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। वास्तव में फैंटेसी का प्रयोग स्वच्छंदतावादी काव्य की विशेषता है। वहां फैंटेसी कल्पना की उड़ान मात्र थी, वहां वह अनुभव की कन्या ना होकर कल्पना की जाया थी, यानी कि कल्पना से पैदा होती थी। मुक्तिबोध ने स्वच्छंदतावादी काव्य की इस प्रमुख तत्व को अपनाया तो सही, परंतु अपने काव्य में सर्वथा नया रूप प्रस्तुत किया इस फैंटेसी का। उनकी अधिकांश कविता जो लंबी कविताएं हैं, उनके केंद्र में कोई ना कोई फैंटेसी अवश्य है, और उनकी कविता में ये फैंटेसी हमें दो प्रकार से दिखाई देती है। पहली तो यह है कि कोई ना कोई कविता अपने एक से अधिक फैंटेसी प्रयोग है अपने अंदर, और दूसरी स्थिति यह है कि कविता में फैंटेसी तो एक ही है, लेकिन जो अपने अंदर अन्य कई छोटी छोटी फैंटेसियों को छिपाए हुए है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं और निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि हिंदी की साहित्य संवेदना और साहित्यिक चिंतन में मुक्तिबोध का प्रभाव लंबे अंतराल के बाद भी सदा रहेगा, कभी मिटेगा नहीं। वो कालजयी कवि हैं। इसका कारण यह है कि मुक्तिबोध का सबसे अधिक गुंजायमान स्वर क्या है? मुक्ति। मुक्तिबोध का खुद का स्वर क्या? मुक्ति। दुख से मुक्ति, संतरास से मुक्ति, पीड़ित जो ये चारों तरफ पीड़ा है उससे मुक्ति, शोषण से मुक्ति। मुक्तिबोध के काव्य की कला पक्ष यद्यपि अधिक कलात्मक नहीं है, तथापि भाषा, छंद, अलंकार, शैली आदि की दृष्टि से समन्वित तो है ही, और इस दृष्टि से मुक्तिबोध ने नए नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग विशेष रूप से किया है, इससे उनका कला पक्ष दुरूह तो हो गया है पर वह अनुभूति की भूमि पर अतीव समृद्ध दिखाई देता है। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं बताई, उनका बताया कि वो नए कवि के प्रतिनिधि कवि हैं, मतलब उनकी से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसकी विषय वस्तु आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।